Hello guys, I'm on this side. Welcome all to our YouTube channel. Hope you all are doing great. काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे को, मैंने रिसेंटली कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, शॉर्ट्स अपलोड किए बट वीडियो नहीं अपलोड किया. उसका रीज़न आई वॉन्ट टू शेयर विद यू एंड कुछ सेल्फ डिफेंस की वीडियोज़ जिनका इंतज़ार सबको था. उन वीडियोज़ को मैंने एक तरीका ढूँढा है जिससे मैं आप लोगों को बता सकूँ जो मुझे बोलना है, जो मेरे को बताना है. मैं अपनी वीडियोस उठाऊंगी यहाँ पे, साथ में डिस्प्ले करूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि जो आपके डाउट्स पिछले कुछ वीडियोस में थे, स्पेशली वुमेन टू वुमेन फाइट के टाइम पे आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, उन सब चीज़ों को भी मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. सो मैं थोड़ा सा साइड में आ जाती हूँ बिकॉज यहाँ पर हमें एक वीडियो डिस्प्ले करनी है. सो बेटर होगा कि मैं इस साइड में आ जाऊँ. ओके, वो एक वीडियो है, एक चैनल है रिसेंटली, मुझे उस चैनल का नाम तो याद नहीं है लेकिन उसमें एक कोच है जो कि इंडिया में जितने भी मोस्टली सेल्फ डिफेंस के या फिर आज की डेट में जो मास्टर शैलेश हो गए या फिर पूजी हो गए, जो इन लोगों की टेक्निक्स को, जो गलत टेक्निक्स हैं उनको रिवील कर रहा है. एंड मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ टोटली, बट एक चीज़ थी कि जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया है कि वो इंसान इतना भी गलत नहीं है. कुछ टेक्निक्स होती हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है और वो मैं खुद मानती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैंने भी आपके साथ में कुछ ऐसे टेक्निक्स शेयर की है ये सोच के कि एटलीस्ट मेरा बताना फ़र्ज है, वो किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है, किसी के लिए यूज़फुल नहीं हो. लेकिन फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट आई न्यू कि अगर सेल्फ डिफेंस की सिचुएशन आती है, कोई उस टेक्निक को यूज़ करने की कोशिश भी करेगा तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी. बिकॉज सेल्फ डिफेंस के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली बात, सेल्फ डिफेंस जैसा कुछ नहीं होता, टेक्निक जैसी कुछ नहीं होती है. सेल्फ डिफेंस अगर आप खुद को डिफेंड करना चाहते हो तो आपके लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को अपने से कमज़ोर से डिफेंस नहीं करना चाहोगे. अगर कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आपको हार्म करना चाहता है, तब आपको डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है, ना कि किसी अपने से वीक इंसान से आपको डिफेंस की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि अगर आपको किसी अपने से स्ट्रॉन्ग इंसान से फाइट करनी है तो आपके लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. आप कुछ भी कर लो, कोई भी टेक्निक सीख लो, वो यूज़लेस है. और अगर आप ये वीडियो देख के थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो के कोई भी फाइट में घुस जाओगे, कोई भी फाइट करने की कोशिश करोगे, तो उसका रिज़ल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा. प्लीज़ इस चीज़ को आप लोगों को मानना होगा. मुझे मार्शल आर्ट करते हुए 3 साल हो गए हैं और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, सिर्फ हवा में पंच चला के, हवा में किक्स चला के मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे किसी से फ़ाइट करनी पड़ी तो मैं फ़ाइट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तब तक जब तक मैंने रियल लाइफ में फ़ाइट नहीं की थी. इसलिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जो लोग ये चैनल देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग ये चैनल देख रहे हो क्योंकि आप लोग सीरियस हो सेल्फ डिफेंस को लेके, तो प्लीज़ एक चीज़ मेरी माननी शुरू करो. जिसके लिए भी आप देख रहे हो, अपनी सिस्टर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बच्ची के लिए, उसके साथ में थोड़ी रियल लाइफ प्रैक्टिस करनी शुरू करो. प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलो कि बचाओ, उसको हिट करो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ. क्योंकि फ़ाइट, एक चीज़ बताती हूँ, जब मैंने शुरू की थी फ़ाइट, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, फर्स्ट 1 वीक तक मेरा हाथ नहीं खुला था. जब भी मुझे एक पंच सामने से पड़ता था, इवन आई कैन शेयर विद यू दोज वीडियोज, मतलब उस टाइम की वीडियो तो मेरे पास नहीं होगी लेकिन बहुत टाइम बाद जब फाइट करने लायक मैं हो गई थी, तब हमने एक थोड़ी सी वीडियो शूट की थी. एंड तो मैं बोल सकती हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा, जब जैसे ही एक पंच पड़ता था, मतलब पूरा दिमाग घूम जाता था, हाथ पैर कुछ नहीं चलते थे, मतलब डिफेंड भी ऐसे होता था कि आप मान नहीं सकते हो कि डिफेंस करना भी कितना मुश्किल हो जाता था. तो जो इंसान जिसने कभी ये चीज़ फील ही नहीं की है, रियल लाइफ में फ़ाइट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो इंसान उस चीज़ को कैसे फेस करेगा. सो प्लीज़ नकली बॉक्सिंग करो लेकिन पंच दो, उसको बताओ कि रिफ्लेक्सेस फास्ट कैसे करने. इवन मैं एक सोल्यूशन लेके आई हूँ, मैं एक बच्चे को अपने साथ रखूँगी, उसके साथ में उसके रिफ्लेक्सेस के ऊपर काम करूँगी, जिससे आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे दैट आई कैन टीच यू, क्योंकि कोई भी टेक्निक बता के या फिर उसके थ्रू ओवर कॉन्फिडेंट करके, स्पेशली फॉर गर्ल्स, मैं चाहती हूँ कि
ये चीज़ मैं भी मानती हूँ कि आज की डेट में मार्शल आर्ट के नाम पे बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। आप ये मान सकते हो कि मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, लेकिन ये चीज़ मुझे तब ट्रिगर की थी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि मैं एक अकेली, अगर मुझे 5 लड़कों से भी लड़ना पड़ रहा है तो मैं उसके कैपेबल हूँ, मैं उन लोगों को हरा सकूँ। और उसका मुझे सिर्फ एक ही टेक्निक सीखा था कि मुझे खुद पे इतना ज़्यादा काम करना है कि मेरा एक पंच सामने वाले को गिरा सके। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं इस लायक अभी हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि हम किस लायक है, लेकिन ये है कि अगर एक पंच पड़ेगा तो सामने वाले को हर्ट डेफिनेटली होने वाला है। इवन मेरा एक बार फाइट हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा बल्की बॉडी वाला बंदा था, इवन हम लोग फाइट स्पेरिंग कर रहे थे और उस टाइम पे उसने भी मेरे को हिट किया था। ऑब्वियसली बात है मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो फाइट ऐसा चैसी फाइट नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी स्पेरिंग की थी। लेकिन बाद में उस इंसान ने मुझे बताया था कि इसका लड़की के पंच में इतनी पावर थी कि मैंने उस टाइम पे रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मेरे ट्राइसेप में 2 दिन तक वो पंच क्लब्स में होने के बावजूद भी इतना पावरफुल पंच था कि 2 दिन तक मेरे ट्राइसेप में पेन होती थी। तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आपको खुद को भी नहीं पता लगेगा कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जब तक आपके सामने सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो सिर्फ सेल्फ डिफेंस की 2-4 बार प्रैक्टिस करने से या फिर सिर्फ वीडियो देखने से, ट्यूटोरियल की हल्की फुल्की प्रैक्टिस करने से आप लोग सेल्फ डिफेंस सच में कर पाओगे या किसी और को डिफेंड कर पाओगे, तो ये टोटली मिथ है। तो उससे अच्छा है वीडियो देखने की बजाय आप सिचुएशन अवॉइड करना शुरू कर दो। लेकिन अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहते हो, तो बिना किसी कोच के आपके पास ऑप्शन नहीं है। पैंडेमिक का टाइम है, लेकिन आप खुद कोच बन सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारे जहाँ तक मेरी बात है, मेरे लिए भी मुश्किल था किसी कोच के साथ में। इवन मैं इस टाइम पे ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है जिसके साथ मैं फ़ाइट कर सकूँ, बॉक्सिंग या टाइकोंडो जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, स्पेरिंग करने के लिए भी कोई नहीं मेरे पास में। सो मैंने क्या किया, पंचिंग बैग का यूज़ किया, अपने यू कैन से शैडो बॉक्सिंग ट्राई की है, अपनी ट्रेनिंग को मेंटेन रखा है, जो भी हो सके अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन रखो, अपनी ट्रेनिंग मेंटेन रखो, के अंदर स्किल्स है उन पे काम करते रहो। हो सकता है उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं हो, लेकिन अगर आप करना शुरू कर दोगे तो एटलीस्ट आप 0 से काफ़ी ऊपर उठ जाओगे। और इसी का सोल्यूशन मैं दे रही हूँ, मैं वर्कआउट वीडियोज़ लेके आ रही हूँ, बट आप लोगों को मुझे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हो वर्कआउट वीडियोज़ में और नहीं। और वो वर्कआउट वीडियोस ऐसी होंगी जिसके बाद आपके स्किल्स पे थोड़ा सा फोकस करूँगी मैं, साथ में स्ट्रेंथ पे फोकस करूँगी। और ये यूट्यूब पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑब्वियसली, बट जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ कनेक्ट होंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक दूसरे को डीमोटिवेट ना करें, हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे हम चाहे तो बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। अ स्मॉल एक्ट कैन चेंज लाइफ ऑफ 1000 पीपल, सो व्हाई नॉट वी स्टार्ट दिस एक्ट विद आवर सेल्फ। ठीक है, तो जैसे मैं इवन इफ यू वांट आई कैन डू दिस थिंग डेली, आई एम रेडी टू डू इट डेली, ऑल्दो दिस इज अ बिग कमिटमेंट फॉर मी बिकॉज डेली वीडियो शूट करना, अपलोड करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। बट अगर आप लोग मेरे साथ हो, यू वॉन्ट कि रियल लाइफ में थोड़ी सी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आप 0 से ऊपर कैसे उठ सकते हो, तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट। आई वॉन्ट कि आप लोग जितने हो मेरे साथ में, कम से कम वो लोग थोड़ी सी सीरियस होकर मेरे साथ कनेक्ट होना शुरू करो, ताकि हम लोग डेली उस चीज़ पे काम कर सकें। और जहाँ तक बात है सेल्फ डिफेंस की, मैं टेक्निक्स लेके आऊँगी, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि टेक्निक तभी काम करती है अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, अगर वो टेक्निक सही से आपने अप्लाई की है, टाइमिंग सही है, एक्यूरेसी सही है, स्पीड सही है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। आप एक पंच मार के ये नहीं बोल सकते हो कि वो पंच सामने वाले को ख़त्म करेगा नहीं करेगा, क्योंकि एक पंच मारने का मतलब है सामने वाला 2 पंच मारेगा। ये चीज़ दिमाग में रख के बैठो। और सेल्फ डिफेंस में सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में सेल्फ डिफेंस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकती हूँ, लेकिन आपको पता है कि मोस्टली क्या होता है कि जब भी सेल्फ डिफेंस की बात आती है, कोई भी इंसान लाइक मेरे जैसी लड़की है जिसने देखा कि अगर आप किसी के यहाँ पे कर देते हो हिट, वो सेंसिटिव पोर्शन है,
तो आपने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपने उसको यहाँ से हिट किया लेकिन उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, आपने सोचा कि तो पावरफुल अटैक है यही काफ़ी है, और वो इंसान इतना गुस्से में आ गया कि आप उसने मतलब जितना हार्म नहीं करना था उससे भी ज़्यादा हार्म आपको किया, इवन जान से भी मार दिया। बहुत मतलब ये है कि ये कैसे ट्रिगर्स होते हैं जो सामने वाले को और अग्रेसिव बना देते हैं जितना वो नॉर्मली नहीं हो सकता था। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पे आपको कैसा रिएक्शन मिल सकता है। सेल्फ डिफेंस में कोई भी चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं होती है, लाइक जब भी कोई रेपिस्ट आपको ऊपर अटैक कर रहा है या फिर कोई भी रॉबरी करने आ रहा है या फिर कोई भी आपको किडनैप करने आ रहा है, तो उस टाइम पे वो कैसे एक्ट करेगा, हाथ पकड़ने के बाद वो बाल पकड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, किक मारेगा या उठा के ही लेके जाएगा, तो ये चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं है। हो सकता है सामने वाला कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको अपनी अवेयरनेस यूज़ करनी आती है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप थोड़ा सा काम होके सिचुएशन से डील करना जानते हो, तो आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। और किसी भी सिचुएशन से बाहर आना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे। और मैं अभी आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ उसमें मैंने 3 चीज़ें कवर की है। अभी आपने जो डेमोंस्ट्रेशन देखा, वो आप मेल हो या फीमेल हो, अगर ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको कोई आपका हाथ खींच के अपनी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, फाइट के टाइम जब आप एक्ट कर रहे हो डिफेंड के लिए तो कोई आपका हाथ ही पकड़ के आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो विद इन 5 सेकेंड आप कौन सा मूव यूज़ कर सकते हो वो आप यहाँ पे देखोगे। तो सबसे पहले मान लो मेरा हाथ पकड़ रखा है, एकदम से होल्ड। अब इसके बाद में सबसे पहले मुझे अपना बॉडी टर्न करनी है, टर्न योर बॉडी, हाथ यहाँ से क्रॉस करके नीचे ले जाओ और अपने हाथ से अपने रिस्ट को पकड़ना है। नाउ आप फर्स्ट थिंग ये है कि आप उसे शुरुआत लोगे और वहाँ से उसके बाद आप नी अटैक दे सकते हो, लेकिन सेकेंड सिचुएशन में मान लो वो हाथ नहीं छोड़ रहा है और मैंने एक्ट किया यहाँ से हिट इतनी क्लोज सी, अब इसको आप इसके बाद छोड़ नहीं रहा है, माने मैं हाथ नहीं छोड़ रहा है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं अपने हिसाब से उसकी एल्बो को हिट करूँगी, घुट भी सकती है अगर बहुत ज़्यादा पावर से प्रेशर दोगे। सेकेंडली आप यहाँ से बैक लेग उठा दें, उसके बीच पॉइंट से हिट कर सकते हो। थर्ड थिंग, जो नी का जॉइंट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, तो आप वहाँ पे भी हिट दे सकते हो, हिट और फिर वहाँ से निकलो। फर्स्ट ग्रोन अटैक फॉर फीमेल, एक तो है आप सीधा किक उठा के, जैसे अभी आप देख रहे हो किक उठा के हिट करो, किक अपने हाथों से फिस्ट बनाओ और उसके वीक पार्ट पे हिट करो। ये 2 चीज़ें अभी आप इस वीडियो में देख रहे हो। अलावा अगर कोई आपके हाथ को होल्ड कर लेता है तो आप उससे कैसे बाहर निकलते हो, सिंपल सी टेक्निक, वो आपको भी पता है कैसे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सामने वाले छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ रहा तो उसके बाद में मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे आपको क्या करना है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे क्लियर करनी थी वो मैंने आपसे की है, तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। If you want me to show you real, like what is the real self-defense, what is the real way of training yourself, if you want to get those things, so please let me know in the comment section. And और अगर आप मेरे साथ में वर्कआउट करने के लिए तैयार हो कि आप कैसे किसी को ट्रेन कर सकते हो, अगर आप ये भी सीखना चाहते हो कि आप लाइक अगर आप अपनी सिस्टर को ट्रेन कर रहे हो तो आप कैसे उसको ट्रेन कर सकते हो एज अ कोच, तो वो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। लेट मी नो कि आपको एक दिन के गैप के बाद में वीडियो चाहिए या फिर डेली चाहिए या फिर कैसे चाहिए, ताकि वो मेरे लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन होएगा। सो दैट्स ऑल, होप मैंने आज आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, एंड सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, स्टे हेल्दी, बाय बाय। एंड नो डोंट फॉरगेट, एंड नाउ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपने क्या सोचा बिना सब्सक्राइब किए चले जाओगे, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, एंड लाइक पे भी प्रेस कर देना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दिया करो, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। सो दैट्स ऑल, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टा आईडी इज amandeep.rajput.75। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।